हेलो, दिस इज़ डॉक्टर प्रवलीन। हमारे साथ आज पेशेंट हैं पंकज पतिदर जी, उदयपुर से। ये आए थे बैक पेन के लिए। ही इज़ इन हिज अर्ली 40s एंड इनके बैक पेन का कॉज, डिस्पाइट पहले एक डिस्क जिसके लिए इन्होंने लेज़र करा लिया था, उसके बाद भी रहने की वजह थी लंबर फैसिट, जो इनको यहीं आके डायग्नोज हुआ। एंड उसके लिए आर एम वॉज टू रीजनरेट रैदर दैन चूजिंग एनी अदर ऑप्शन, एंड हमने इनको PRP का ट्रीटमेंट दिया फॉर हिज फैसिट्स। एंड लेट अस नो How the results have been, Pankaj ji. Thank you. मुझे यहाँ आपके डायग्नोस हुआ था अपना फैसिक ऑर्थोपेडिक का, तो मेरे को अपना लेजर कराया तो उसके बाद भी मुझे नहीं करना पड़ा। तो मैडम ने मुझे उसके रिलेटेड कुछ अपना ट्रीटमेंट बताया, जिसमें उन्होंने जो PRP थेरेपी पे कमेंट की थी। उससे पहले मुझे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये घूमने में, सोने में, फेंकने में सब प्रॉब्लम थी। फिर मैंने किया कि मेरा उसके बाद मुझको काफ़ी अच्छा रिलीफ आ गया है। मैं आराम से बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, कर ले सकता हूँ, ये चीज़ें अपने के मन में इसको काफ़ी आराम। कमिंग टू डायग्नोसिस पंकज जी, आपको कितने टाइम से पेन था और आपको कितने सालों बाद जाके पता चला कि ये कॉज है? थोड़ा क्वेश्चन था इस बीमारी का, ये तो मुझे 24 साल हो गए जबकि ये डायग्नोस कोई दूसरे डॉक्टर ने करवाया। मैंने काफ़ी उन्हें MRI कराई, ये डायग्नोस तो मेरा यहाँ ही आते हुआ। जब बाकी पहले के MRI से मेरा ऐसा कोई डॉक्टर ये डायग्नोस नहीं करवाया कि आपको फेसक के कारण ये दर्द हो रहा है, और ये डायग्नोस मेरा